एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप अच्छे हो। शिप्रा गुरु होममेड किचन में आप सभी को स्वागत है। आज हम नया वेज दो डिशेस लाई हूँ आपके लिए। आइए आपको मैं बताती हूँ। ये है बासुंती बासमती राइस। ये हमें धो के पानी सूखा के रखी हूँ। ये बासमती राइस मैं इसका बनाने जा रही हूँ, मैंगो बासुंती पुलाव। इसमें मैंगो जाएगा, मैंगो बासुंती पुलाव। तो ये बनाने के लिए हमने पहले चावल को मैं तो धो के पानी सूखा के रखी हूँ। अभी इसमें डालने जा रही हूँ। ये चार मैं छोटा इलायची लिया है, थोड़ा इसको काट के लिया है, और ये लवंग लिया है चार, और नमक स्वाद अनुसार लिया है, आधा चम्मच हल्दी लिया, और मिर्ची का पाउडर आधा चम्मच लिया है। ये मैं चावल के अंदर डालूंगी, और इसके अंदर मैं डालूंगी दो चम्मच घी। ये मैंने दो चम्मच घी डाले हूँ। इसको अच्छे से चावल के साथ लगा के रखना है हमको आधा घंटा, पूरी अच्छी तरह से लगा के इसको आधा घंटा हम रखेंगे। आज प्योर वेज मैं बनाने जा रही हूँ, इसमें कुछ भी कांदा लहसुन कुछ भी नहीं पड़ेगा। दो डिशेस है, एक है ये बासुंती मैंगो बासुंती पुलाव, और एक है पनीर मलाई, वो बनाऊंगी। दोनों ही भेज है बिना कांदा लहसुन का। आज थर्सडे है, हम भगवान को भोग चढ़ाएंगे, इसीलिए भगवान को चढ़ सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, अच्छे से भगवान को हम चढ़ा सकते हैं। भेज रेसिपी है, आप लोग देखिए हम कैसे बनाते हैं। देखिए फ्रेंड, ये हमारा मिक्स करके हो गया है। हम इसको आधा घंटा ढक के रखूंगी, फिर आधा घंटा के बाद आपसे मिलती हूँ मैं। जैसे कि फ्रेंड्स देखिए, हमने ये चावल आधा घंटा घी सब कुछ लगा के रखा था, तो ये आधा घंटा हो गया है। अब ये तैयार करने का टाइम हो गया है। आइए हम आगे बताते प्रोसेस। हमें लगेगा इसमें ये अपना मनुका, और ये छोटा इलायची तीन, दालचीनी चार, और ये लवंग चार, दालचीनी का टुकड़ा एक, और चार पांच बादाम का लिया है मैंने, और आठ दस काजू लिया है, और ये अपना काली मिरी लिया है, हाँ, और हमें लगेगा मैंगो। मैंगो बासुंती पुलाव तो मैंगो मेन है, मैंगो लगेगा हमें। तो आइए हम पहले काजू थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं तेल डालूंगी इसमें, काजू को हमको फ्राई करके लेना है। काजू बादाम और किशमिश तीनों ही मैं डाल देती हूँ फ्राई करके लेती हूँ। थोड़ा लाल करना है हमें। देखिए फ्रेंड्स, ये लाल हो गया है, हम निकाल के रखते हैं इसको। अभी हम इसमें दो चम्मच तेल डालेंगे और एक चम्मच घी डालूंगी। एक टेबलस्पून घी, जैसे कि फ्रेंड्स ये हमारा तेल और घी गर्म हो गया है,
हम इसमें तेज पत्ता डालूंगी और ये जो अखा, छोटा इलायची, लवंग और दालचीनी ये मैं डाल देती हूँ। ये थोड़ा सा हमें लाल करना है। ये देखिए लाल हो गया है, हम अभी राइस डाल देते हैं इसमें। ये हमने एक कप का, चार कप मैंने चावल लिया है, और ये चार कप चावल लिया तो मैंने आठ कप पानी डालूंगी इसमें, डबल डालना है हमें। चावल को थोड़ा सा हमें भूजना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा रोस्ट करके हुआ है राइस। अभी इसमें मैं पानी डालूंगी। ये अपना पानी मैं गरम करके रखी हूँ, गरम पानी हमें डालना है। आठ कप डालूंगी मैं। मैं आठ कप पानी डालूंगी, डाली, और ये जो अपना काली मिरी है, ये जब 80% पक जाएगा राइस, तभी मैं ये काली मिरी और ये मैंगो पल्प मैं निकाल के रखी हूँ। एक मैंगो का मैंने पल्प निकाल के रखी हूँ, ये मैं डालूंगी जब 80% पक जाएगा तभी, अभी नहीं डालूंगी। ये थोड़ा पकने दीजिए, पहले हमको थोड़ा फास्ट पकाना है, फिर जो उबाल आएगा गैस बारीक करना है। आइए फ्रेंड्स, मैं खोलती हूँ ढक्कन। देखिए ये 80% पक गया है हमारा राइस। मैं अभी ये मैंगो पल्प इसके ऊपर डालूंगी और अपना ये काली मिरी डाल दूंगी। ये तीखा मीठा थोड़ा बनेगा तो अच्छा लगेगा, हमें ये मिक्स करना है। ये बहुत ही खुशबू मस्त आता है, मैंगो का टेस्ट भी अच्छा उबर के आता है, और ये जल्दी बनता भी जल्दी है, इतना देर नहीं लगता है बनाने को, और बहुत ही टेस्टी बनता है ये। अभी मैं इसको ढक के और 5-10 मिनट में पकाऊंगी। ऊपर से हमारा ये जो भुना हुआ काजू, बादाम और किशमिश मैं डाल लेती हूँ। अभी 5 मिनट और ढक्कन लगा देती हूँ इसको। ढक्कन खोलते हैं फ्रेंड्स, देखिए एकदम तैयार है, एकदम मस्त। ये देखिए खिले खिले बना है, एकदम अच्छा बना है, एकदम खिले खिले, ये एकदम तैयार है। ये तैयार होने में टाइम नहीं लगता है, बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है। ये अभी तैयार है, ये प्योर वेज है, एकदम कुछ भी इसमें ये नहीं है। ये हम बना के भगवान को चढ़ा सकते, कोई पूजा में भी घर में बना सकते। ये अच्छे से हमारा ये तैयार है। तो आइए फ्रेंड, हम आए हैं दूसरे रेसिपी लेके। दूसरे रेसिपी का नाम है मलाई पनीर। मलाई पनीर के लिए हमें पनीर चाहिए, तो हमने पनीर लिया है, हमने एक पनीर लिया है 1.5 पाव। तो आइए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगता है हम बताते हैं। ये है कस्तूरी मेथी, हमने थोड़ा सा रोस्ट करके रखी हूँ, और ये काजू का पेस्ट बनाया है। काजू को मैंने पहले तेल में थोड़ा लाल करके लिया है, फिर इसका पेस्ट बना के रखी हूँ। और ये टोमेटो प्यूरी, टोमेटो को मैंने पहले उबाल के लिया है, 2 टोमेटो लिया है, और हरी मिर्च 4 लिया है, तो दोनों को मैंने उबाल के इसका पेस्ट बना के रखी हूँ।
और ये है मिक्स पनीर मसाला। ये पनीर मसाला मैंने लिया है, ये 3 चम्मच लिया है। और ये जिंजर का पेस्ट है। और ड्राई मसाला में टर्मरिक पाउडर है, और ये काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है, और ये रेड चिल्ली का पाउडर है, और स्वाद अनुसार नमक लगेगा। और हमें ये जो मिक्स जो पनीर मसाला है, इसमें मैं दूध मिक्स करूँगी इसके अंदर। तो आइए आगे, कढ़ाई में हम तेल डालते हैं, पनीर को पहले हम फ्राई करके लेते हैं। ये प्योर भेज है भाजी, इसको हम जो लहसुन और कांदा ये सब नहीं खाते उनके लिए ये एकदम अच्छा है। और कोई भी भगवान का ये में हम बना सकते हैं, पूजे में घर में पूजा रहेगा तो इसको बना के हम किसी को खिला सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है। आइए, हमारा तेल गर्म हो गया है, हम पनीर छोड़ते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर डालूंगी और थोड़ा नमक डालूंगी स्वाद अनुसार। ये डाल के हमें पनीर को लाल करके लेना है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा पनीर लाल करके हमने फ्राई करके लिया है, कढ़ाई गर्म हो गया है, हम तेल डालते हैं कढ़ाई में। मैंने 2 तेज़पत्ता और 1 सूखा मिर्ची को थोड़ा लाल करना है। फिर हमने लिया है 1 टुकड़ा दालचीनी, 3 लवंग और 3 छोटा इलायची, ये भी हमें थोड़ा सा लाल करना है। फिर हमें डालना है ये टोमेटो प्यूरी। ये डाल के हमें थोड़ा लाल करना है अच्छे से। जैसे फ्रेंड देखिए, ये थोड़ा भून के हो गया है, हमने अभी ये जिंजर का पेस्ट डाल दिया। जिंजर का पेस्ट डाल के हमें थोड़ा लाल करना है, और हम इसके साथ डाल देंगे ये थोड़ा टर्मरिक पाउडर और रेड चिल्ली पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ये भी मैं डाल दूँगी इसमें। थोड़ा हमें लाल करना है अच्छे से, अच्छे से भूनना है मसाला। ये मलाई पनीर बहुत ही अच्छा बनते हैं, एकदम भेज है, प्योर भेज, इसमें ना कांदा लहसुन कुछ भी नहीं है, और अच्छे से बनता है, स्वाद बहुत ही अच्छा आता है खुल के एकदम। कभी आप लोग ट्राई कीजिएगा, ऐसा बहुत ही अच्छा बनता है। देखिए फ्रेंड, ये भूज के हुआ है और थोड़ा भूनना है हमें, ये झटपट तैयार होते हैं। इसमें ना कांदा काटने का जरूरत है, लहसुन काट के डालने का जरूरत है, ये झटपट बनाने वाले रेसिपी है। आपके घर में कभी मेहमान आए, झटपट ये बना सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और हर कुछ सामान तो ये है घर का ही है, सब बाहर का ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें, तो ये आप बना सकते हैं आराम से। हम अभी इसमें डालूंगी ये अपना ये पनीर मिक्स मसाला, मैंने दूध डाल के जो रखा था ये मैं डाल देती हूँ इसमें। ये भी हमें थोड़ा भूनना है अच्छे से। फिर ये जो काजू का पेस्ट, ये भी मैं डाल देती हूँ। ये मलाई पनीर मसाला इसीलिए है, इसमें ये सब पड़ता है तभी ये मलाई जैसा टेस्ट लगता है।
थोड़ा ये उबालने दीजिए हमें। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से भून के हो गया है हमारा मसाला। अभी हमने इसमें पानी डालूंगी, गर्म पानी डालूंगी मैं, ठंडा पानी नहीं डालूंगी। और स्वाद अनुसार हमने नमक भी डालूंगी, सॉल्ट। ये अच्छे से भून के हो गया है। अभी हमने ये मिक्सर का मसाला पानी में डाल रही हूँ और इसमें गर्म पानी वो भी मैं डालूंगी। जितना आपने को रस्सा मांगता है वो हिसाब से आप रखिए, ज़्यादा रस्सा नहीं अच्छा लगेगा इसमें, अपने हिसाब से रखना है। और बच्चे लोग को ऐसा बना के खिलाइए, उन लोग को बहुत अच्छा लगेगा। जो बच्चे लोग तीखा खाना नहीं चाहता है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, ये अच्छा लगेगा बच्चे को। अभी उबाल आया है, हमने ये पनीर डाल दूंगी। पनीर डाल के हमें थोड़ा और पकाना है। थोड़ा पकाना है हमें, और थोड़ा पकने दीजिए। जैसे कि फ्रेंड्स देखिए, हमने ये कस्तूरी मेथी लिया है, हम अभी डालूंगी भाजी में। ये ऐसा क्रश करके हमें डालना है। ये हमने डाला है कस्तूरी मेथी, और ये क्रीम डालूंगी मैं। ये मैंने लगभग 3 चम्मच डाला है। और जिनके पास क्रीम नहीं है, हमारे पास एक सजेशन है उनके लिए। उन्होंने हर एक का घर में दूध रहते हैं, दूध का जो मलाई है वो मलाई आप डाल सकते हो इसके ऊपर, बहुत ही अच्छा लगेगा टेस्ट, एकदम खुल के आएगा, क्रीम का जरूरत ही नहीं होएगा। हर घर में दूध रहता है, दूध का मलाई डालने का ऊपर बहुत ही टेस्टी रहेगा। देखिए फ्रेंड, ये हमारा तैयार हो गया है। मैं अभी गार्निशिंग करके आती हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स देखिए, हमारा दोनों डिश तैयार है। एक है मैंगो बासुंती पुलाव और एक है मलाई पनीर। ये दोनों वेज है, प्योर एकदम। ये आप लोग सावन के महीने में बना के घर में खा सकते, अपने मेहमान को भी खिला सकते। ये बहुत ही अच्छा है, टेस्टी। और आप लोगों को ये कैसा लगा, आप लोग एक बार घर में ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए। और हमको लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।